Hey guys, this is Vishal and welcome to this exclusive video where again I am going to cover one of my good trades in this week. And we all did together, all our 10x students, TraderMe students and our option mastery round one students did a trade called VEDL. And this trade is slightly different from what we usually do. Generally, hum log trend following trades karte hai, momentum wale trades karte hai, lekin ye contra trade tha. Aur ye contra trade ke piche kya karan hai? क्या सोचा था, कहाँ लिया था, कहाँ बेचा, क्यों लिया, क्यों बेचा, कितना लिया, कितना बेचा और क्या इमोशंस थे और क्या एग्जिट स्ट्रैटेजी था, प्रॉफिट कितना हुआ, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। आपने पहले भी मेरे ट्रेड वीडियोस को बहुत सराहा है और बहुत सारे कमेंट्स और लाइक्स और शेयर्स किए, तो इस ट्रेड को इस वीडियो से भी आप बहुत कुछ सीखोगे कि कॉन्ट्रा ट्रेड जब करते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब क्या पहले तो वो समझते हैं और फिर उसमें कैसे मैंने ट्रेड लिया वो बात करते हैं। चलिए देखते हैं, ये एक ट्रेड जो ऑलमोस्ट 10 दिन चला और उसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, वो भी हम देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेड वीडियो, VEDL कॉन्ट्रा ट्रेड और उसका पूरा एग्जिट हो गया। जब भी मैं हमेशा बताता हूँ कि जब मैं पूरा ट्रेड एग्जिट कर दूँ उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आराम से उसके ऊपर एनालिसिस करें, नॉन बायस एनालिसिस करें। अगर पोजिशन खड़ी होती है तो बायस होता है कि हाँ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पोजिशन खत्म हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, राइट। सो आज ही मैंने फाइनल पोजीशन अपनी क्लियर कर दी VEDL की और चलिए शुरू करते हैं। ये मेटल सेक्टर का एनालिसिस था लास्ट मंथ, जब जुलाई शुरू हुआ तब से हम मेटल के पीछे लगे थे और देख रहे थे कि वहां से एक बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ है तो एक अच्छा खासा बाउंस आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि जो सबसे मेन कारण था मेरा ट्रेड लेने का वो था VEDL। जब शुरू किया तब वो 61% रिट्रेसमेंट पे था मंथली चार्ट के, वो सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि 61% बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है फिबोनाची में, आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण हो गया। वीकली चार्ट पे ट्वीजर बॉटम बना था, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बीच वाला चार्ट जो ट्वीजर बॉटम, और डेली चार्ट पे हैमर भी था। फिर मैंने जिंदाल का देखा वो भी सेम दिख रहा है, JSW स्टील भी दिख रहा है, टाटा स्टील भी सेम दिख रहा है, मतलब हर एक ट्रेड में हर एक में कर सकते थे ट्रेड, बट संभव मुझे VEDL पे ज्यादा ट्रेड सेटअप अच्छा लगा 61% का, इसलिए मैंने वो लिया। यूजुअली मैं जिंदाल स्टील लेता हूँ क्योंकि वो मेरा फेवरेट स्टॉक है, बट इस बार मैंने VEDL लिया और उसमें वो हिसाब से मूव मिला। तो सबसे पहला ट्रेड ये हैमर था, सब मंथली वीकली तो देख लिया, अभी डेली पे जब हैमर बना वो भी डबल बॉटम के साथ डाइवर्जेंस के साथ, तो पहला एंट्री हुआ मेरा 15,500 शेयर से और वो 10 लॉट थे, वो मेरे 8 जुलाई को मैंने एंटर किया 228.25 में, राइट। सो दिस वॉज द फर्स्ट ट्रेड टू एंटर। देन दो दिन बाद वो मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया, तब मैंने और 7,750 लिए और वो मेरा 13 जुलाई को पोजीशन ऐड हुआ। फिर दूसरे एक बार रेड कैंडल आया और दूसरी बार भी आया और वो मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके टर्न मारा और ओपन लो सेम था, और इस दिन पे हमारी OPL का राउंड वन भी शुरू हुआ जिसमें मैंने ये ट्रेड दिलवाया था सबको, दो 231 हाफ के बीच में वहां से मैंने एंटर करवाया और ये 24,800 शेयर यहाँ पे हो गए। तो ये जो मैंने एंट्री करवाया उसके पीछे पूरा डिटेल एनालिसिस भी किया था, तो चलिए देखते हैं VEDL का एंट्री वीडियो जो मैंने करवाया था OPL में, उसका एक क्लिप्स देख लेते हैं ताकि आपको समझो। और ये OPL क्लिप्स सारे लोग अटेंड करते हैं, ट्रेडर में भी करते हैं, 10x भी करते हैं, सब लोग करते हैं और सब ने पोजिशन बनाई, तो चलिए देखते हैं 10x ये OPL का, अरे सॉरी VEDL का एंट्री वीडियो। चलो VEDL को चेक करते हैं, जो लोग नहीं जुड़े थे लास्ट राउंड में इस बार फिर से जुड़ेंगे और अगर आप चाहो तो वी कैन गेट इनटू द स्टॉक, लेट्स सी व्हाट द पोजीशन इज। यस, इट्स मेकिंग अ हायर टॉप, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और आज उसका ओपन लो भी सेम है। सो VEDL इज द ट्रेड फॉर फर्स्ट ट्रेड फॉर टुडे, गेट इनटू VEDL, इट्स अ पोजिशनल ट्रेड, पूरा OPL राउंड तक चलाएंगे हम इनको, कैश में भी ले सकते हो, फ्यूचर में भी ले सकते हो, ऑप्शंस में भी ले सकते हो, अगर 230 ऑप्शंस में ले रहे हो तो 230 का कॉल लेंगे एट द मनी, राइट। सो फर्स्ट कॉल फॉर टुडे इज VEDL राउंड नंबर वन। ओके, चलो अभी जो ट्रेड लिया है VEDL का उसके बेसिस पे उसका पोजिशनल ट्रेड है, स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेते ताकि भले उसका ओपन लो ब्रेक हो चुका है बट वील स्टिल होल्ड इट because it was not based on open low, it was just additional signal of open low, right? मेरे हिसाब से इसका low, which is yesterday's low, which is 25, is the stop loss, which is 5-5.5 रुपए,
फॉर अ पोजिशनल ट्रेड है, इंट्राडे ट्रेड नहीं है, वीडीएल एज अ कॉन्ट्रा ट्रेड है। कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब ऑपोजिट ट्रेड, नीचे वाले ट्रेंड को हमने पकड़ा है। तो पहले मंथली से शुरू करते हैं। मंथली में मैंने रीजन बताया था आपको कि क्या रीजन है, इसका बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है और वो करेक्शन का वो 61% रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट ले रहा है। सी दिस इज द करेक्शन एंड दिस 61% पे सपोर्ट लिया एग्जैक्ट, तो वो एक रीजन है और वो मंथली 40 के नजदीक भी है। वीकली डबल बॉटम ट्वीजर बॉटम यहाँ पे और यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश, ये जो फ्लैग पैटर्न था उसका टारगेट अचीव हो गया, इसलिए यहाँ से डबल बॉटम बना के कोशिश कर रहा है ऊपर आया। डेली में बहुत अच्छा सेटअप विथ डाइवर्जेंस है यहाँ पे आरएसआई का, वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस है बॉलिंजर आउटसाइड और इनसाइड, ये परफेक्ट हैमर है, डबल बॉटम है और अभी मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया था, उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, जितना ऊपर रहेगा उतना स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 40 के नीचे ही था काफी टाइम से, अब वो 40 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज अ गुड कॉन्ट्रा ट्रेड। मेन रीजन क्या है, 61% रिट्रेसमेंट ऑन मंथली। तो देखा आपने कि वही जो एनालिसिस मैंने उनको भी दिखाया था जब लाइव करते हैं, अभी किसी को लगता है कि अरे ट्रेड होने के बाद पूरा एनालिसिस करने के बाद सब कुछ कर सकते हैं पोस्टमार्टम, लेकिन ये लाइव एनालिसिस था, लाइव ट्रेडिंग था और उस दिन पे सबने लिया और हमने बोला भी ये पोजिशनल ट्रेड है, इसको रुकेंगे और इसको अच्छे पोजिशन अच्छे प्रॉफिट में बेचेंगे। सो दिस वॉज 18th of July। फिर 20th July को गैप अप खुला 249.50 के आजू बाजू, तभी एक न्यूज आया था कि वीडीएल में कुछ बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है और वो एक्स डिविडेंड होगा तो उसमें गैप डाउन हो सकता है, जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे हुआ था मई को। तो इस चक्कर में हमने सुबह सुबह 249-247 में हाफ पोर्शन पूरा एग्जिट कर दिया और सारे स्टूडेंट्स को भी एग्जिट करवा दिया कि चलो प्रॉफिट बुक कर लेते। थोड़ा थोड़ा करके मैंने रखा था क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी पोजिशन थी, तो ये और लास्ट आज दोपहर को पूरी पोजीशन जो 15,500 बचे थे वो भी निकाल दिए, तो टोटल सारी क्वांटिटी स्क्वायर अप हो चुकी है। और ये एग्जिट वीडियो भी मैंने उनको कल बताया था कि चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं क्योंकि डिविडेंड का चक्कर है और थोड़ा गैप अप, गैप जब भी एक्स डिविडेंड होगा तो निकल नीचे खुलेगा, तो हिसाब से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अदरवाइज हमारा टारगेट अच्छा खासा था 260-265 का, जो एक्चुअली अचीव हो गया, 60 टच हो गया था 260 में, राइट। सो दैट एग्जिट वीडियो भी देख लेते हैं, चलिए। अच्छा चलो, VDL 4% ऊपर है, दैट्स अ गुड साइन फॉर अस, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। अब क्योंकि मेरे एक तो हमारा जो एक टारगेट था तो वो 360-370 पे था, बट क्योंकि आज ये डिविडेंड का न्यूज है, मैं चाहता हूं कि इसको आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसमें, सो आई विल बुक अ प्रॉफिट ऑन दिस डिविडेंड डिक्लेरेशन न्यूज। देखा आपने कि एग्जिट भी हो गया और ये सारा ट्रेड हमने लाइव स्टूडेंट्स के साथ किया और इसीलिए लोग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सारी स्ट्रैटेजी इधर उधर सब जगह वीडियो देख लोगे, लेकिन जब लाइव ट्रेड में कोई आपको बोलेगा कि भाई खरीदो, लो, बेचो, इस करंट से खरीदो, इस करंट से मत खरीदो, इसको लेना है, इसको डबल करना है, इसको पिरामिड करना है, ये सपोर्ट के लिए लोग ज्वाइन होते हैं। बाकी अभी स्ट्रैटेजी में कुछ भी नहीं बचा, किसी भी ट्रेडर की स्ट्रैटेजी लो, इवन वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी किताबों में है, वीडियो में है, लेकिन जो लाइव कोचिंग होता है That's the priceless thing what we offer in our programs, right? अब इसको पूरा पूरा ट्रेड को एनालाइज करेंगे कि 8 जुलाई को पहला एंट्री हुआ था और 20 और 21 जुलाई को खत्म हुआ, मतलब कुछ 10-12 दिन लाइव ट्रेडिंग के, तो 10 दिन ही हुए और ये पूरा ट्रेड में जो प्रॉफिट और लॉस जो मैंने आपको दिखाया, तो दिखा देता हूँ मैं कैसे हुआ। 8 को एंटर, एग्जिट 20 और 21 को, राइट, पार्शल पार्शल करके क्लियर कर दिया। और ये सारे ट्रेड्स दिख रहे हो, रियल टाइम एक्सचेंज के ट्रेड्स दिख रहे हैं आपको, टाइमिंग के साथ, सेकंड्स के साथ, एंट्री और एग्जिट वाले सारे तो आपको दिखेगा। और ये पूरा क्वांटिटी आज जो लास्ट में बचा वो पूरा एग्जिट किया मैंने और टोटल पोजीशन जो अभी बनता है वो बनता है 18,28,922 रुपये, राइट। सो ये पूरा ट्रेड 8 से लेके 21 तारीख तक का पूरा ट्रेड मैंने आपको दिखा दिया। अब ये ट्रेड आप भी कर सकते हो, काफी लोगों ने किया भी है, किसी ने 1 लॉट से किया, किसी ने 2 लॉट से किया, किसी ने 5 लॉट से किया और किसी ने 50 लॉट से किया और किसी ने कैश में किया, किसी ने फ्यूचर में किया, किसी ने ऑप्शन में किया। और इसमें मैंने एक दो ऑप्शन भी ट्रेड डाले थे बट वो मैंने जल्दी एग्जिट कर दिए तो वो यहाँ पे मैंने डाले नहीं है। बट ओवरऑल इफ यू सी अ 10% मूव फ्रॉम द एंट्री प्राइस ऑन अ फ्यूचर्स पोजिशन, एवरेज 8-9% हमने एक्सट्रैक्ट किया और वो भी 10 दिन के अंदर,
तो ये जो क्वालिटी ट्रेड्स है इसका लेसन क्या लर्न किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हैं लेकिन उसमें ज्यादा कंडीशंस को मीट होना चाहिए, जैसे मैंने पहले फिबोनाची, फिर आरएसआई, फिर डाइवर्जेंस, फिर डबल बॉटम ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम, फिर मूविंग एवरेज पे पिरामिड किया, पहले छोटी क्वांटिटी से शुरू किया फिर कंफर्मेशन पे ऐड किया। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड में कभी भी मैं बड़ा ट्रेड एक साथ नहीं करता हूं क्योंकि कंफर्मेशन चाहिए, फिर जब जैसे न्यूज पे अलर्ट रहना चाहिए कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ और उसके पहले मेरे को एग्जिट करना है नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये अलर्ट था और पार्शियल करके धीरे धीरे करके एग्जिट किया, टारगेट को मन में रखा। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड में हमेशा प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि वो वापस ऊपर नीचे आएगा। आपने देखा होगा बीच में मैंने कैनरा बैंक का वीडियो किया था, 10 लाख इन 10 डेज, वो भी कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें प्रॉफिट बुक करने के बाद कैनरा बैंक कम से कम 8-9% नीचे आया और फिर वापस ऊपर गया। तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हमेशा ऐसे ही चलता है, ऊपर नीचे करके करना पड़ता है, इसलिए समझो वीडीएल भी ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, अभी भी वो ऊपर जा सकता है, जाएगा भी, बट एक ट्रेड जो अपना टारगेट दिमाग में था और वो भी कॉन्ट्रैक्ट था, इसके हिसाब से 10 दिन में 18 लाख वो भी 9% का मूव इज नॉट बैड, राइट। और ऐसे बहुत सारे ट्रेड अभी बन रहे हैं और कर रहे हैं हम लोग, अगला ट्रेड ऑलरेडी चालू है और वो हम अगले राउंड में डिस्कस करेंगे। ओपीएल का जो राउंड है वो चल रहे हैं और एक राउंड खत्म होने को आया, और भी 4 राउंड है। तो दूसरा और ऑलवेज जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि ये प्रॉफिट है, इसमें से आप प्रॉफिट के अलावा जो सीखने को मिलता है ट्रेड के बारे में वो देखो। मुझे ऐसे हमेशा बताता, प्रॉफिट जब होता है पैसा दिमाग को हवा में लेके जा सकता है, तो हमेशा ग्राउंडेड रहो, हम्बल रहो और इसमें अबंडेंस में ग्रैटिट्यूड में रहो कि ऐसा ट्रेड मिला सही ढंग से हुआ। और खाली ग्रैटिट्यूड ऐसा नहीं कि मार्केट का ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड फॉर योर सपोर्ट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, योर किड्स, योर कोचेस, योर मेंटर्स, योर टीम, एवरीबडी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सब सही जगह पे सही हो रहा है इसलिए सही जगह पे सही दिमाग चला, नहीं तो कभी फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है, कभी रिलेशनशिप में चल रहा है, कभी बिजनेस में चल रहा है, कभी हेल्थ का इश्यू है, और वो सब होगा तो आप ट्रेड बराबर नहीं कर पाओगे। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग, इट्स ऑल अबाउट 360 डिग्री लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट वी टॉक अबाउट। सो थैंक यू ऑल द कोचेस, ऑल द मेंटर्स, थैंक यू माई वाइफ, माई किड्स, माई पेरेंट्स। एंड जैसे ही मैंने बताया कि जब से माई फादर पास्ट अवे आई मेड अ वीडियो विद अ ट्रिब्यूट सेइंग दैट दिस ईयर आई एम गोना मेक बम्पर प्रॉफिट और फोकस से ट्रेड करेंगे, और अभी तक तो सही जा रहा है और अच्छा है। मुझे लगता है कि मेरे पे ब्लेसिंग्स भी है उनके कि मैं सही ट्रेड करूं जो मैंने वीडियो पे प्रॉमिस किया है, तो काफी ठीक ठाक चल रहा है। आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, और अगर आपको लगता है कि लाइव ट्रेडिंग करने से आपका फायदा होगा मेरे साथ जुड़ने से, तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट द डिटेल्स एट द opl.in एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी विच इज ऑलरेडी मेकिंग मनी विथ अवर हेल्प, एंड ऑल आर मेकिंग मनी, एंड मोर देन मेकिंग मनी दे आर लर्निंग द स्किल विच इज अ लाइफ लॉन्ग स्किल। कॉन्ट्रा ट्रेड हो या ट्रेंड फॉलोइंग हो, दोनों ट्रेड करने को आना चाहिए, और मार्केट हर एक तरह के मूव्स दिखाता है हमको, हमको उससे एडजस्ट करना है। कोई कोई लोग है कि चलो मेरे को यही ट्रेड जमता है, यही सिस्टम जमता है, लेकिन मार्केट बदल गया है तो वो सिस्टम नहीं चलेगा, इसलिए हमको मार्केट की तरफ से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे पास 3 से 4 एटलीस्ट 5 स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए ताकि हम साइडवेज मार्केट को, कॉन्ट्रा ट्रेंड को, वॉलेटाइल मार्केट को, ट्रेंड फॉलोइंग को, सबको यूज कर सके, राइट। सो ये था वीडियो ऑन वीडीएल कॉन्ट्रा ट्रेड, आशा करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। मुझे क्या लेसन सीखा आपने वो मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपको समझ में आया। आपने भी अगर ट्रेड लिया है, अगर आप भी ओपीएल के हिस्से में, ओपीएल में हिस्सा लिया आपने और वीडियो ट्रेड किया है वीडीएल का, तो वो भी नीचे डालिए। और मैं मिलूंगा आपको वीकली एनालिसिस के लिए कल फ्राइडे को, पूरे वीक का एनालिसिस करेंगे। अगर याद होगा तो यही ट्रेड मैंने 2 वीक पहले के वीकली एनालिसिस में वीडीएल की बात की थी। ये जो हमारा नया फीचर चालू हुआ है वीकली एनालिसिस, हर फ्राइडे को मैं मार्केट का व्यू देता हूँ, तो लास्ट टू लास्ट फ्राइडे का वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, तभी हमने वीडियो और जिंदाल स्टील की बात की थी। और 2 हफ्ते हो गए उसी दिन से ट्रेड लिया था और आज ट्रेड खत्म हो गया, 2 हफ्ते में ये पूरा ट्रेड खत्म हुआ। तो अगर ये वीकली एनालिसिस वीडियो आप देख रहे हो उससे पूरा फायदा उठाओ ताकि आप उसमें उस तरह के ट्रेड कर सको, और बस इस वीडियो को और फैलाओ ताकि और भी लोग सीख सके। और मैं आपको मिलूंगा कल के वीकली एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।